हेलो, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग क्लास 10 में बहुत इम्पोर्टेंट और बेसिक टेबल्स पॉलिन चैप्टर जो पॉलिनोमियल्स का हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। प्रोनोमियल्स एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ साथ जिनको मैथ का बेसिक सीखना है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। तो जरा पॉलिनोमियल्स को हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझते हैं कि पॉलिनोमियल कहते किसको हैं। पॉलिनोमियल का जनरल मतलब है, पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमियल का मतलब होता है टर्म। बहुत सारे टर्म आपस में प्लस और माइनस के साथ क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए, इसका फॉर्म क्या होगा, वन नंबर पॉइंट। पॉलिनोमियल को पी से, पी फॉर पॉलिनोमियल एक्स, एक्स के फॉर्मेट में ए जीरो एक्स पर पावर जीरो, ए वन एक्स पर पावर वन, ए टू एक्स पर पावर टू, इस तरह से ए एन एक्स पर पावर एन। देखो बहुत सारे टर्म आपस में प्लस और माइनस से जुड़े हुए हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिए। पावर, ये सारे बहुत सारे टर्म आपस में प्लस और माइनस से जुड़े हुए हैं, इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे कि पावर ऑफ वेरिएबल, ध्यान दीजिए, मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। यहां नॉट में ये पॉइंट को आप ध्यान रखोगे, पावर ऑफ वेरिएबल जब तक पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा तब तक उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो पॉलिनोमियल में पहले क्या देखना है कि जो भी टर्म आपस में प्लस और माइनस के साथ जुड़े हुए हैं उसके वेरिएबल के पावर को देखना। यहाँ पर एक्स क्या है, वेरिएबल है, और आपका जो आपका ए जीरो है, ए वन है, ए टू है, इस तरह से जो ए एन लिखा है, ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। जैसे पहले मैं आइडेंटिफाई करना आपको सिखाता हूँ कि आपको यह बताना है कि ये आपका पॉलिनोमियल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे पी एक्स बराबर है 3x, नंबर टू 3x² + 10, 3। अभी आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ, फिर वेरिएबल के टाइप को हम बताएंगे। पी एक्स आपको दिया है केवल 3, 4 x + 1/x, 5। जरा हम लोग पहले आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। जरा इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो वेरिएबल पर पावर है 1, इसलिए ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, पॉजिटिव इंटीजर। कहोगे ये सर तो 0 है पावर, इसको हम 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x पर पावर 0, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये क्या पॉलिनोमियल है, नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ एक्स पर पावर क्या हो गया, निगेटिव, तो एक्स पर पावर अगर निगेटिव इंटीजर हो गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्या ये पॉलिनोमियल है, एक्स पर पावर देखिए इसका क्या मतलब है, 3x² पावर वेरिएबल का देखना है, x² ½+6, तो वेरिएबल पर पावर हाफ है, पॉजिटिव है लेकिन इंटीजर नहीं है। इंटीजर किसको कहते हैं, इंटीजर आपका ये है, ध्यान देना है सबको, इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक, -2, -1, 0, 1 और 2, इस तरह से। तो ये निगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर पावर हाफ है, 1/3 है, तब ये सब पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल का पावर देखना है, कॉन्स्टेंट का पावर नहीं। अगर मैं यह बोलूं, जरा 6 नंबर आप समझिए, सिक्स
सिक्स नंबर पॉइंट समझिए, ये क्या पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल कैसे है, ये पॉलिनोमियल कैसे है, यहाँ पर जो है वेरिएबल पर पावर वन है टू है, तो अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तभी उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल के अंतर्गत रखेंगे, अन्यथा उसको हम पॉलिनोमियल के अंतर्गत नहीं रखेंगे। तो पॉलिनोमियल कौन है कौन नहीं है, तो क्या समझे, पॉली का मतलब होता है मेनी, नॉमियल का मतलब होता है टर्म, बहुत सारे टर्म आपस में प्लस और माइनस के साथ जुड़े हुए हो, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यह पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है, तो वेरिएबल के पावर को आप देखिए, अगर वेरिएबल का पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल होगा, अन्यथा पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कीजिए। अब देखो सेकेंड नंबर पॉइंट आप समझिए, पॉलिनोमियल को डिग्री के आधार पर अलग अलग हम नाम रखते हैं, पावर के आधार, डिग्री मतलब पावर, एक दूसरा भी तरीका है टर्म के आधार पर भी होता है, ये आप नाइन्थ में पढ़े होंगे, तो द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट डिग्री जो पॉलिनोमियल का होता है, यहां देखिए द हाईएस्ट पावर, पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री भी ऑफ ए पॉलिनोमियल, पी एक्स इज कॉल्ड, ये बात को ध्यान से रखिए, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर जो हाईएस्ट डिग्री होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका हम डिग्री बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया जाए कि पी एक्स बराबर यह है, यहां एक्स पर पावर मैक्सिमम क्या है वन, इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे, लीनियर। जब वेरिएबल पर पावर वन एंड ओनली वन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर। क्यों बोलते हैं लीनियर, किसका यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये जो ग्राफ आप ड्रॉ करोगे उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। अगर आपका क्या हो, दो पावर हो, मैक्सिमम जो हाईएस्ट है, यहां वन भी है और टू भी है, तो जो हाईएस्ट पावर होगा उसी के नाम से पॉलिनोमियल जाना जाएगा। तो हाईएस्ट पावर कितना है, यहां पर दो है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, इसका हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री के आधार पर उसका नाम जाना जाता है। अगर यहां पर क्या हो, पावर मैक्सिमम थ्री हो, इसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, चार पावर होगा तो फोर्थ पावर पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल पर जितना मैक्सिमम पावर होगा उसी के आधार पर उसका हम नाम लिखते हैं, पावर मैक्सिमम वन तो लीनियर, पावर मैक्सिमम टू तब उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर पावर आपका थ्री गया मैक्सिमम तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हुआ डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल का नाम अलग अलग जानना, राइट। अब
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं। जरा बात को ध्यान से समझो, थर्ड नंबर पॉइंट, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं, पी एक्स बराबर है 3x-6, राइट। अगर आप p बराबर 1 रखोगे तो क्या वैल्यू आएगा, देखो -3। p बराबर 2 रखे तो क्या आया, 0। और पॉलिनोमियल का सीधा मतलब कि x का वह वैल्यू बताओ जिससे इसका वैल्यू 0 हो जाए, x का वह वैल्यू बताएं जिससे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो x के जिस वैल्यू के लिए, तो यहां पर क्या है, तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल कौन है, 0 ऑफ पी एक्स क्या है, इज क्या होगा, 2। 2 रखने से 0 हुआ, तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल, इसको 0 पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, पी एक्स का 2 हुआ। तो एक्स के जिस वैल्यू के लिए किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए बेटा, उसी को हम कहते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। और 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का तरीका बड़ा आसान है। आपको कई बार कहेगा कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालो वैल्यू, तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का तरीका हम आसानी से आपको बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, फाइंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल, हमको इसका पूछे तो इतना रख रख के नहीं देखना है। आप इतना बराबर क्या करोगे, लेट पी एक्स बराबर 0 सॉल्यूशन, तो 3x-6 0, तो x आपका क्या हो गया, 2। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल अगर आपको निकालना चाहते हैं तो उसको आप 0 करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बड़ा आसान पार्ट है। अब देखिए नोट में एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या फॉर्म है, लीनियर पॉलिनोमियल, जरा ध्यान दो, 0 निकालने का डायरेक्ट भी आपके बुक में एक तरीका लिखा हुआ है, जरा उसको भी बता दूं। लीनियर पॉलिनोमियल इसका फॉर्मेट क्या होगा, ये x प्लस बी, ध्यान दीजिए, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 इक्वल हो गया तो पॉलिनोमियल लीनियर नहीं हो सकता। लीनियर का सीधा मतलब है कि वेरिएबल पर पावर 1 एंड ओनली 1 हो। जब वेरिएबल पर पावर 1 एंड ओनली 1 हो तब उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट, ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर हम इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं, 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो पी एक्स बराबर 0, ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो एक्स क्या लिखोगे, माइनस बी वाई, इसको इधर ले आओ, ए एक्स बराबर माइनस बी, तो एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस बी वाई। इसका मतलब है कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल हो तो लीनियर पॉलिनोमियल में कैसे हम 0 निकालेंगे, बी क्या है, बी को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। एक बात आप समझ लीजिए, एक्स का यहाँ मल्टीपल ए है, कॉफिशियंट ऑफ एक्स कहते हैं, कॉफिशियंट का मतलब हुआ एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई, ए एक्स प्लस बी है, तो एक्स के साथ यहाँ क्या है, ए मल्टीप्लाई, इसको हम कहते हैं कॉफिशियंट ऑफ एक्स। एक टर्म ये है और एक टर्म क्या है, ये, राइट। तो ए और बी हमको मालूम है, तो डायरेक्ट हम इसका हम निकाल सकते हैं, कैसे, माइनस
कांस्टेंट टर्म, सॉरी अच्छा से लिख दूं, दिस इज एक्स बराबर, यहीं पर लिख देता हूं, ये हो गया माइनस कांस्टेंट टर्म और ये क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जैसे यहां पर देखिए इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, ए और बी का वैल्यू इससे कंपेयर करो, 3x प्लस माइनस सिक्स, बी आपका माइनस सिक्स है और ए आपका क्या है 3 है, यहां पर रख दीजिए माइनस सिक्स तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और ए यहां पर 3 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इतना बात आपको याद नहीं रखना है, ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। अब जरा कांस्टेंट टर्म की बात आप समझ लीजिए, ये बच्चे जो है बहुत गलती करते हैं। देखो इस पॉलिनोमियल में ए और बी दोनों कांस्टेंट है, यहां दो टर्म है, एक एक्स का प्रोडक्ट है और एक केवल कांस्टेंट है, बी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और जिसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। तो जब हम कांस्टेंट टर्म बोलें तो कांस्टेंट टर्म का मतलब हुआ कि जिसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो, यानी यदि हम कांस्टेंट टर्म बोलें तो बी का मतलब बी हुआ इसका वैल्यू, जब हम बोले कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो इसका मतलब क्या हुआ ए मतलब हुआ। ये बात आप आसानी से समझ लीजिए। तो अगर आपको क्या करना है किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, तो जीरो का क्या मतलब है कि हमको एक्स का वह वैल्यू निकालना है जिसके रखने से पी एक्स का वैल्यू क्या हो जाए जीरो हो जाए। तो ये कैसे निकालेंगे, तो पी एक्स को जीरो करके आप एक्स के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इससे सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप समझिए इसका। चार नंबर पॉइंट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ, ये समझिए इससे सवाल एक एग्जामिनेशन में आता है, एक नंबर का सवाल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग तभी हम बता सकते हैं जब उनका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे ग्राफ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर y बराबर 2x प्लस 3 का हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, एक पॉलिनोमियल है, ऐसे लिखिए आप चलो ऊपर वाला ही ले लेते हैं 3x माइनस 6। इसको आप मान लीजिए x तो x एक्सिस पर लेंगे और इसको हम मान लीजिए लेट वाई इज कल टू दिस, यानी हम जो पी है इसमें एक्स का जो वैल्यू हम रखेंगे तो जो पी एक्स का वैल्यू हो उसको हम वाई मान लेंगे, वाई का मतलब वाई एक्सिस पर वो वैल्यू लेंगे। तो आप क्या करते हैं मिनिमम 3-4 पॉइंट आप लीजिए, एक्स अगर जीरो रखो तो जीरो रखोगे तो क्या आएगा माइनस थ्री सॉरी माइनस सिक्स, वन रखेंगे तो माइनस थ्री, टू रखोगे तो जीरो, थ्री रखोगे। अब इसका एक ग्राफ बनाओ, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सभी बच्चे जानते हैं जीरो है ये एक्स है ये वाई है ये वाई डैश है ये एक्स डैश है, इधर हम पॉजिटिव लेते हैं इधर हम क्या करते हैं निगेटिव लेते हैं माइनस वन, इधर हम पॉजिटिव लेते हैं वन टू, इधर हम क्या करते हैं निगेटिव लेते हैं माइनस वन माइनस टू, और भी बड़ा लेना पड़ेगा माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स वाई, जीरो तो माइनस सिक्स एक्स जीरो y माइनस सिक्स ये पॉइंट हुआ,
वाई एक्सिस पर एक्स जीरो होता है और एक्स एक्सिस पर वाई जीरो। ये सभी बच्चे ग्राफ पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, और जिनको ग्राफ में दिक्कत हो तो इस नंबर पर फोन करके हमसे आप पूछ भी सकते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, पहले ग्राफ सीखिए। वन है तो माइनस थ्री, यहां पर देखो वन और माइनस थ्री, एक्स वन यहां पर पॉइंट, टू जीरो, थ्री है तो थ्री है यहां पर पॉइंट, ये पॉइंट। अब सब का मिलाते हुए ग्राफ ड्रॉ करोगे, वहां पर करोगे सीधी लाइन आएगा, देख रहे हैं। एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, टू का मतलब है इसका वैल्यू क्या हुआ, टू जीरो, पहले एक्स लेते हैं फिर वाई लेते हैं। वाई क्या है, पॉलिनोमियल का वैल्यू है, वाई बराबर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू। तो अगर लीनियर का, लीनियर अगर मान लीजिए लीनियर को हम सॉल्व करते हैं तो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट करता है। तो देखो जब हम ग्राफ ड्रॉ करें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम समझाएं, यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस के जितने पॉइंट पर कट करेगा, अगर एक पॉइंट पर कट करेगा तो एक्स के केवल एक वैल्यू के लिए ही पी एक्स जीरो होगा, कोई दूसरा वैल्यू और नहीं हो सकता। यहाँ एक्स बराबर ओनली टू, क्या टू के अलावा और कोई वैल्यू से इसका वैल्यू जीरो हो सकता है, क्या हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो जिसका केवल एक जीरो, एक जीरो का मतलब क्या हुआ कि एक्स के एक वैल्यू के लिए वाई का, एक्स के किसी सर्टेन वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू निकल रहा है, सर्टेन वैल्यू के लिए, इसका मतलब है कि इसका ग्राफ जो है क्या है, एक ही पॉइंट पर कट करेगा। यानी ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करे, इसका मतलब है इसका सिंगल जीरो होगा, यही इसका क्वाड्रेटिक, यही इसका क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा। और एक्स पर पावर, एक जान लीजिए, एक्स पर पावर जितना मैक्सिमम होगा वन, तो एक्स पर पावर यदि वन है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि यह एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट करेगा। जब एक्स का पावर होगा दो तो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर कट कर सकता है, करेगा ये कोई जरूरी नहीं है। जरा इसका ग्राफ देखो, मैक्सिमम पावर दो का हम बता रहे हैं, आपको एग्जामिनेशन में क्या कहेगा, कहेगा कि ग्राफ, कहेगा आपका कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करती है, कितने पॉइंट पर कट कर रही है, वन पॉइंट पर जीरो कट कर रही है। आपका कहेगा कि इस पॉलिनोमियल का केवल एक जीरो है, तो एक जीरो का मतलब एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर कट करेगा। कहेगा दो जीरो है तो इसका ग्राफ जो है दो पॉइंट पर कट करेगा एक्स एक्सिस को, तीन पॉइंट पर कट करेगा तो इसका मतलब तीन जीरो है, इसका ये मतलब होता है। इस मतलब को थोड़ा सा आप समझिए सही से, राइट। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए। उसी तरह अगर हम निराम पॉइंट पर ध्यान दें, यहां पर एक हम क्वाड्रेटिक लेते हैं, देखते हैं कि क्वाड्रेटिक कैसा होगा, क्वाड्रेटिक का क्या फॉर्म है। क्वाड्रेटिक का हम लोग क्या करेंगे कि एक अलग से चैप्टर ही है जो आपको विस्तार से पढ़ना है। जरा हम क्वाड्रेटिक लेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जरा इस बात को ध्यान से देखिए, इसका फॉर्म क्या होगा, ऐसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। एक्स पर यहां ए जीरो के इक्वल नहीं होगा, ए बी सी सब कांस्टेंट है, एक्स आपका वेरिएबल है, ए बी सी आपका क्या है, कांस्टेंट्स है। आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक का पढ़े होंगे, इसका अगर आप सोल्यूशन करते थे बराबर जीरो करके तो एक्स का दो वैल्यू निकलता था, तो मैक्सिमम जितना पावर होगा ठीक उतना ही जीरो होने की संभावना है, होगा कोई जरूरी नहीं है, लीनियर में पक्का है कि लीनियर में एक जीरो तो होना ही होना है, लेकिन क्वाड्रेटिक में कई बार जीरो पॉसिबल नहीं भी हो पाता है। कैसे नहीं होगा, इस बात की अभी हम चर्चा करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए है,
एक्स का कोफिशियंट बी है और सी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। अब इसका यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे एक काम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि पी एक्स बराबर है जी, ग्राफ इसका ड्रॉ करके देखते हैं। मान लो लेट वाई बराबर दिस, हम ऐसा बोलते हैं वाई क्यों मानते हैं, एक्स को हम एक्स एक्सिस पर लेंगे, जो पी एक्स होगा उसका, उसको वाई मान लेते हैं, उसको हम वाई एक्सिस पर, इसको इक्वेशन में बदल लेते हैं, एक एक्स एक्सिस के लिए और एक वाई एक्सिस के लिए। तो जरा हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, वाई, वाई का मतलब पी एक्स, माइनस टू रखिए तो छ आएगा, माइनस वन जीरो, जीरो है माइनस फोर, वन है माइनस सिक्स, टू है माइनस सिक्स, थ्री है माइनस फोर, फोर है जीरो, फाइव है सिक्स है। इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट लेंगे आप, रख के देखिए, इसमें यही आएगा पॉइंट, सारे पॉइंट को आप प्लॉट कीजिए। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आता है, अगर आप सारे पॉइंट को प्लॉट करेंगे आप पॉइंट को प्लॉट कीजिएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा। आपके बुक में ड्रॉ किया हुआ आप देख भी सकते हैं, देख रहे हैं कहाँ कहाँ कट रहा है, यहाँ माइनस वन जीरो एक ये था और एक यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को यह दो पॉइंट पर कट कर रहा है, एक्स तो दो पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसका मतलब है इसका कितना जीरो होगा, दो जीरो होगा। अगर एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर कट करे तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसका कितने जीरो होंगे, दो जीरो होंगे, यानी एक्स के दो वैल्यू के लिए पी एक्स का वैल्यू जीरो होगा। यहाँ हो रहा है, अगर इतना बराबर आप जीरो करके इसको सॉल्व करें तो ये और ये आपका आंसर होगा, आप जानते हैं फैक्टराइज करके सॉल्व करने के लिए। और ऐसा जो ग्राफ है ना, ये ऐसा ग्राफ आधा अंडा, इसको हम बोलते हैं पाराबोला। क्या बोलते हैं? एक बात आपको बता दूं, ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो, यहां नोट में मैं लिख देता हूं, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर, ये कभी एक कबार एक लाइन में पूछ देता है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ ए ग्रेटर देन जीरो, मैंने ए का वैल्यू पॉजिटिव हो तो ग्राफ हमेशा ऐसा ही आएगा, ऐसे आए चाहे जैसे आए, ऊपर की ओर खुला होगा। और अगर मान लिया जाए इफ ए लेस देन जीरो, इसका ग्राफ जो है इस तरह से आएगा, इस तरह से। तो ऐसा ग्राफ या ऐसा ग्राफ, ये नीचे की ओर खुला होगा, ये इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर को बोलते हैं पाराबोला। पाराबोला का स्टडी आप 11th में करोगे जाके। तो ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो अपर साइड इसका ओपन होगा, और ए का वैल्यू आपका क्या हो, लेस देन जीरो हो तो लोअर साइड ओपन होगा। ये बात को आप लोग ध्यान से समझोगे। अगर मान लिया जाए, कुछ एग्जांपल हम लें कि ग्राफ ऐसा हो, ध्यान दीजिए, ग्राफ अगर ऐसा हो तब क्या होगा, कोई बोलेगा ऐसे? एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब है यहां पर क्या हो गया, टू जीरो, इसके दो जीरो जाए, माने एक्स के दो वैल्यू के लिए वाई क्या होगा, पी एक्स क्या होगा, जीरो होगा। टू जीरो का ही मतलब, जीरो का क्या मतलब है कि एक्स का कौन सा हम वैल्यू रखें, जीरो का यहां मतलब समझिए कि एक्स का, अभी हम तुरंत पढ़ाए थे कि एक्स का वह वैल्यू आपको बताना है जिसके लिए पी एक्स जीरो हो जाए। तो
तो दो पॉइंट पर अगर कट करे तो दो जीरो, अगर सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसका मतलब इसका एक ही जीरो होगा। मैंने ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करेंगे इसमें एक्स का केवल एक ही वैल्यू आएगा जो जीरो होगा, और वो कब संभव है वो भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा हाइयर जाके। देखो जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पी एक्स बराबर हो इसका अगर हम जीरो निकालेंगे तो एक ही जीरो आएगा, ये क्या है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस वन जीरो, तो एक्स बराबर क्या हो गया वन। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल परफेक्ट स्क्वायर में हो उसका ग्राफ ऐसा ही बनता है, वहां पर क्या होगा एक ही जीरो होगा, सिंगल जीरो। ऊपर वाले में हमने क्या पढ़ाया था कैसा, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं था, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं था, इसका ग्राफ जब हमने ड्रॉ किया था तो दो जीरो आया। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर में हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऐसे कंडीशंस में इसके ग्राफ क्या होंगे इसी तरह बनेंगे जो हमने आपको अभी बना के दिखाया है ऐसा। तो एक पॉइंट पर कटे तो एक जीरो, दो पॉइंट पर कटेगा तो दो जीरो, समझ गए। अगर कहो कि सर कैसा हो जाए, कैसा हो जाए कि ग्राफ ऐसा हो जाए, ग्राफ ऐसा बन जाए किसी में ऐसा, चाहे ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए ऐसा जो एक्स एक्सिस को कट टच करे ही नहीं, अनकट करे, इसका मतलब है नो जीरो। ऐसा भी हो सकता है नो जीरोज, इसका मतलब है कि एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए वो जीरो नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब जीरो के लिए कोई सलूशन नहीं है। तो ये ग्राफ आपको एग्जामिनेशन में लिख के देगा, आपको ग्राफ क्या करेगा कहेगा जी बताओ इसका कितना जीरो होगा, ऐसे करके काट देगा। तो दो पॉइंट पर करेगा तो कहेगा यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, तो कहोगे सर इसका टू जीरो होगा। कोई कहे जी अच्छा ग्राफ ऐसा है तो कितना होगा, एक पॉइंट पर टच कर रहा है तो वन जीरो होगा, माने एक्स के एक वैल्यू के लिए ही पी एक्स जीरो होगा। अगर ऐसा हो जी ग्राफ यहां पर एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है तो वन जीरो होगा, ऐसा अगर ग्राफ ड्रॉ करके दे तो कहना जी नो जीरो होगा। तो इस तरह से इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने समझा। जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक का क्या फॉर्म है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये भी आप थोड़ा जान लीजिए, इधर से देखिए जरा। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका ये फॉर्म होता है पी एक्स ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ए जीरो के इक्वल नहीं है। इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे इन क्यूबिक पॉलिनोमियल का तो संभावना इसके तीन जीरो होने की संभावना है, होगा कोई जरूरी नहीं है। जैसे हमने कहा कि क्यूबिक है मैक्सिमम पावर दो है तो मैक्सिमम दो जीरो हो सकता है, वो दो जीरो ही होगा कोई जरूरी नहीं, कई बार एक जीरो और कई बार जीरो नहीं भी होता है। तो क्यूबिक का मैक्सिमम पावर तीन है इसलिए इसके एक्स के तीन वैल्यू यानी तीन जीरो होने की संभावना है, होगा कोई जरूरी नहीं है। यदि इसका जीरो संभव है तो मैक्सिमम तीन जीरो हो सकता है, मैक्सिमम दो जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। अगर तीन जीरो होगा तो इसका ग्राफ जो है तीन पॉइंट पर कट करेगा, इस तरह से ग्राफ ऐसे 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 देख रहे हो, एक दो तीन, तीन पॉइंट पर कट कर रहा है, इसके कितने जीरो संभव है, थ्री जीरो संभव, राइट। चार पॉइंट पर कटे ऐसा अगर ग्राफ दे दे आपको तो यहां पर एक दो तीन चार पॉइंट पर कट रहा है तो फोर जीरो हो सकता है, एक पॉइंट पर कटे एक जीरो, अगर एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है तो इसका मतलब कोई भी जीरो पॉसिबल नहीं है।
तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो क्या क्या हमने सीखा, समराइज कर लें कि पहले पॉलिनोमियल कहते किसको है, तो पॉलिनोमियल है या नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है। तो वेरिएबल के पावर को देखिए जो प्लस और माइनस के साथ है, अगर सभी पावर ऑफ वेरिएबल पॉजिटिव इंटीजर होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर, तब इसका मतलब है कि वो पॉलिनोमियल होगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ाया था, दूसरा पॉइंट मैंने आपको यह बताया था कि पॉलिनोमियल के जीरो का क्या मतलब है, मैंने एक्स का वह वैल्यू बताना है जिसके लिए वह पॉलिनोमियल जीरो होगा। फिर उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया ग्राफ ड्रॉ करके कि अगर एक पॉइंट एक एक्स एक्सिस के एक पॉइंट पर कट करती है तो एक जीरो, दो पॉइंट पर कट करेगा तो दो जीरो। और एक बात बता दूं, एक्स का जितना मैक्सिमम पावर है उतना जीरो होने की संभावना है, एक्स पर पावर अगर मैक्सिमम वन है तो एक जीरो, अगर दो है तो मैक्सिमम दो जीरो हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम दो हो सकता है, हमेशा होगा कोई ज़रूरी नहीं है, दो भी हो सकता है एक भी हो सकता है। और ये हमने ग्राफ से आपको बताया कि एक्स एक्सिस को अगर कटे ही नहीं, कट नहीं करे, तब तो वहाँ पर जीरो की कोई संभावना है ही नहीं, मैक्सिमम पावर थ्री है तो थ्री जीरो होने की संभावना है। तो ये पॉइंट को आप लोग आज आप पढ़ोगे। अगले पॉइंट में हम लोग यह बताएंगे कि पॉलिनोमियल अगर क्यूबिक या और क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तो उनके बीच सम और प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे बिना जीरो निकाले, है ना, जीरो का कैसे सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, कब, जब हमको ए बी और सी मालूम हो डी। ये हम अगले क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।